दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप आईपीएल 2019 को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है आईपीएल 2019 से रिलेटेड, वो यही है कि मुंबई इंडियंस ने 10 बड़े प्लेयर्स को टीम से रिलीज कर दिया है, जिन बड़े प्लेयर्स में सौरभ तिवारी, पैट कमिंस और जेपी डुमिनी, ये तीन सबसे बड़े प्लेयर्स माने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान और अकीला धनंजय को इन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया था और ऐसे ही इन्होंने 5 यंग प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है, जिन्हें इनने लास्ट ईयर आईपीएल 2018 के ऑक्शन के दौरान 20 लाख की रकम देकर खरीदा था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम अब मुंबई इंडियंस की टीम रही है या नहीं रही है, क्योंकि जो भी ट्रांसफर हुए हैं प्लेयर्स के, मुंबई इंडियंस की टीम में नए प्लेयर्स आए हैं, इन सभी को देखने के बाद अगर हम मुंबई इंडियंस के रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। कोर प्लेयर्स को इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, जहां पर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कृणाल पांड्या, कप्तान रोहित शर्मा, ऐसे प्लेयर्स को इन्होंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। ऐसे में अगर हम इनकी स्क्वाड को देखते हैं, इनकी टीम को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कृणाल पांड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मयंक मारकंडे, राहुल चहर, अंकुर रॉय, सिदेश लाड़, आदित्य तरे, क्विंटन डीकॉक, कायरन पोलार्ड, बेन कटिंग, मिचेल मैकलेनेगन, एडम मिलने, एविन लुइस और जेसन बेहरनडॉर्फ। तो दोस्तों इन 17 प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज नहीं किया है, इन 17 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन करके रखा है, जहां पर बड़ा नाम यही है कायरन पोलार्ड को इन्होंने इनके फॉर्म को देखते हुए भी रिलीज नहीं किया है। ये T20 में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और अगर बात आती है टीम की प्लेइंग 11 को लेकर, जहां पर मात्र 4 ओवरसीज प्लेयर्स ही खेल सकते हैं, ऐसे में कायरन पोलार्ड को इन्होंने रिलीज नहीं किया है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल 2019 में कायरन पोलार्ड अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं या नहीं। दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है आपके हिसाब से, और कौन से प्लेयर्स को टीम मुंबई इंडियंस को खरीदना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।